हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे हो गए। तो मुझे किसी ने पूछा यार, थंबनेल कैसे बनाते हैं? मुझे अट्रैक्टिव थंबनेल बनाना है, क्योंकि यूट्यूब पे अगर आप थंबनेल अच्छा नहीं बनाओगे तो लोग अट्रैक्ट नहीं होंगे आपके वीडियोस की तरफ, और आपको अच्छे व्यूज़ भी नहीं आएंगे। चाहे आपकी वीडियो में जितनी मेहनत लगी हो, अगर आपने अपना काम थंबनेल पे नहीं किया तो आपको व्यूज़ बहुत कम आएंगे। क्योंकि जब भी हम कोई वीडियोस को ओपन करते हैं तो सबसे पहले वीडियो को ओपन करने से पहले जो आता है वो है थंबनेल। तो मैं किस एप्लीकेशन का यूज़ करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। इसका नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब क्या होता है? एक एप्लीकेशन है जो बहुत ही फ्री है, और आप इससे थंबनेल एडिट कर सकते हो। मैं आपको एक नया एडिट करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने पबजी का रॉयल पास क्या होता है वो मैंने वीडियो बनाई है, तो उसके लिए मैं इसका थंबनेल बना के दिखाता हूँ आपको कैसे बनाते हैं। जैसे मैं इमेज साइज पे गया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, स्क्वायर, प्रोफाइल पिक्चर, बैनर, यूट्यूब थंबनेल, गूगल प्लस कवर फोटो, ट्विटर हेडर साइज। तो हमने थंबनेल पे क्लिक करना है। तो ये यूट्यूब थंबनेल का ये साइज़ होता है, अगर ये साइज़ मतलब पूरा थंबनेल के बीच में आता है तो हमने ओके कर देना है। यहाँ से ओके करने के बाद ये जो न्यू टेक्स्ट है यहाँ से हमने डिलीट कर देना है, और यहाँ से गैलरी से हमने कोई पिक ले लेनी। गैलरी से पिक ले लेंगे हम। यहाँ से फ्रॉम गैलरी पे गए, मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया था इमेज पे, यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लिया, ये रहा। तो मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है कि रॉयल पास होता क्या। यहाँ से मैंने इसका साइज़ बड़ा कर दिया, ठीक है। यहाँ पे बड़ा साइज़ करने के बाद तो यहाँ से मैंने टेक्स्ट को ऐड किया, ये टेक्स्ट आ गया, ठीक है। तो ये टेक्स्ट को एडिट कैसे करना है मैं अभी बताता हूँ। ये जैसे मैंने इधर किया, यहाँ पे नीचे ए का साइन है, ए पे जाके एडिट पे लिखा है यहाँ पे व्हाट इज़ रॉयल पास क्या है, मतलब ये कर सकते हैं। उसके लिए हमें गूगल ट्रांसलेटर खोलना पड़ेगा। चलो मैं गूगल ट्रांसलेटर खोल लेता हूँ। तो गूगल क्रोम खोल के, गूगल क्रोम खोलेंगे, यहाँ पे लिखेंगे google.com। सो गाइस, यहाँ पे गूगल खोलने के बाद इमेजेस पे यहाँ पे जाना है गूगल ट्रांसलेट, गूगल ट्रांसलेटर इंग्लिश टू हिंदी, ये कर दिया हमने यहाँ पे सर्च, ये आ गया गूगल ट्रांसलेट। व्हाट इज इसका हमने क्या है, हमने ये कॉपी कर लिया, ठीक है। अब कॉपी करने के बाद हम वापस वहाँ पे जाएंगे पिक्सल लैब में, और यहाँ पे हमने पेस्ट कर देना है क्या है, और यहाँ पे लिख देना है रॉयल पास, पबजी रॉयल पास क्या है, पबजी रॉयल पास, ठीक है। यहाँ पे हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो ये थोड़ा ऐसा लग रहा है आपको, अगर सिंगल लाइन में लाना है इसको थोड़ा बड़ा कर दीजिए ऐसे साइड से, ये सिंगल लाइन में आ जाएगा। अब इसको साइज़ को छोटा करना है, ये लेफ्ट साइड से ये छोटा होता है, पबजी रॉयल पास क्या है। अब ये फीका फीका लग रहा है, मतलब कुछ दम नहीं लग रहा है इसमें। तो नीचे से इसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज आ जाती है, लाइक कलर। कलर आपको गाइस रेड चूज़ करना है या ब्लू चूज़ करना है, क्योंकि आपने विबग्योर सुना होगा, जो रेनबोस के कलर होते हैं रेड और ब्लू ज़्यादा हमें अट्रैक्टिव लगते हैं, इसलिए मैं हमेशा रेड ही यूज़ करता हूँ। ये हालांकि पिंक दिख रहा है बट रेड सही रहेगा। और आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा कलर रेड होगा कौन सा नहीं होगा, ठीक है। तो ये रेड हो गया, अभी भी सही नहीं दिख रहा यहाँ का, हमने स्टाइल इसे कर दिया ये। अब इसका टेक्स्ट बैकग्राउंड यहाँ से चेंज कर सकते हैं हम। अब ये हाइलाइटेड दिख रहा है, अच्छा लग रहा है। और अच्छा करने के लिए हम इसमें स्ट्रोक ऐड करेंगे, जो इसमें साइड का जो साइड की ये लाइनिंग होती है, इसकी विड्थ हम यहाँ से बढ़ा सकते हैं। अब देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अब ये अट्रैक्टिव लग रहा है ना, पबजी रॉयल पास क्या है, ठीक है। अब इसका और अच्छा दिखाना है तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, इसकी रिफ्लेक्शन आ जाएगी, बट रिफ्लेक्शन सही नहीं लग रही। तो ये मैंने यहाँ से बना लिया स्ट्रोक। शेडो का देख लेते हैं, शेडो अगर हम इसकी रेड रखें कैसे लगेगा। रेड शेडो रखने के बाद यहाँ पे ब्लर रेडियस बढ़ाने से पीछे इसकी शेडो आ जाती है, ठीक है। ये देखो हो गया,
अब यहाँ से आपको यहाँ पे बस यहाँ पे सेव सेव एस इमेज करना है और यहाँ से सेव टू गैलरी कर लेना है। बस आपका रॉयल मतलब ये आपकी जो थंबनेल है वो बन चुका है। सो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो मर्जी पूछेगा गाइस मैं आपके लिए हूँ और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस और कंटेंट लाता रहूँगा। हालांकि मेरा चैनल प्रियांशु वीलॉग्स है बट मैंने सोचा चलो कुछ यूट्यूबर्स की हेल्प कर दूँ, क्योंकि मेरा जो सेकेंड चैनल था जिम लवर्स उसको मैंने चलाते हुए मुझे 2 साल हो गए हैं और उसमें 10,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, क्योंकि मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता और आप जाके मेरे चेक कर सकते हो, व्यूज़ बहुत ज़्यादा है और सब्सक्राइबर कम है, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बता दूंगा। सो गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।